गुरु अर्जन देव जी महाराज ऐसा क्यों कह रहे हैं कि कर संगत तू साध की 68 तीर्थ नाव। गुरु अर्जन देव जी महाराज संत की साधु की जितनी उस्तत गुरु अर्जन देव जी महाराज ने वाणी में की है ना, इनकी वाणी पर अगर विचार करेंगे तो बहुत ज्यादा उस्तत उन्होंने संत और साधु की है। सुखमनी साहब जी के तो पूरी अष्टपदी साधु की संगत पर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और फिर एक पूरा कितने शब्द हैं उनमें से एक अनमोल शब्द कि साधु की संगत करती क्या है, साधु की संगत का लाभ क्या है, फल क्या है, श्रवण कीजिए। पिंगल पर्वत पार परे खल चतर बकीता अंधले त्रिपवन सूझे आहा गुरपेट पुनीता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं कि साधु की संगत करती क्या है। पिंगल पर्वत पार परे, पिंगला शरीर गला हुआ है जिसका, शरीर में ताकत नहीं है हिलने की, पिंगला है वो पर्वत को पार कर जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। साधु की संगत ये करती है जिसकी जो समर्था नहीं, जो इम्पॉसिबल चीज है उसके लिए, वो भी वो पॉसिबल कर लेगा अगर साधु की संगत मिल जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। छोटे मोटे उदाहरण नहीं दिए गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने, पांचवें गुरु नानक कह रहे हैं पिंगल पर्वत पार परे खल चतर बकीता। मूर्ख हो, गधा हो, दिमाग में एक बात ना जाती हो, पर अगर साधु की संगत मिल जाए खल चतर बकीता, चतुर बक्ता बन जाता है, उसके बोलने पर हजारों लोग सुनने आते हैं उसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मूर्ख आदमी को दुनिया सर झुकाने लग जाती है अगर साधु की संगत हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अंधले तिर भवन सूझिया गुरु भेट पुनीता। कमाल की पंक्तियां हैं। अंधा जिसे दिखाई नहीं देता एक कदम भी, अगर साधु की संगत मिल जाए यहाँ की नहीं तीनों लोकों की सोझी हो जाती, तीनों लोक दिखाई देने शुरू हो जाते हैं उसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अंधले तिर भवन सूझिया गुरु भेट पुनीता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेहमा साधु संग की सुनो मेरे मीता, मैल खोई कोट अग हरे निर्मल भय चीता। हृदय की तेरी मैल खत्म हो जाएगी जन्मों जन्मांतरों की, तेरा चित निर्मल हो जाएगा। कैसे? मेहमा साधु संग की सुनो मेरे मीता। आगे ऐसी भक्त गोविंद की कीट हस्ती जीता जो जो की से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ऐसी भगत गोविंद की कीट हस्ती जीता। क्या कहे यहाँ पर बड़ी ध्यान से समझना। अब यहाँ पर साधु की संगत की बात नहीं हो रही, क्या कह रही? ऐसी भगत गोविंद की, गोविंद की भक्ति में इतनी ताकत है, प्रभु की भक्ति में इतनी ताकत है कि कीट हस्ती जीता। अब यहाँ पर बात आती है, अभी बात चल रही थी साधु की संगत की, अब यहाँ पर कह रहे हैं प्रभु की भक्ति। विचार करो क्यों कहा है यहाँ पर प्रभु की भक्ति। साधु की संगत करते क्या है? भक्ति की जगा देती है प्रभु की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। साधु कौन? जिसने अपने मन को साधा हो,